नमस्कार, आप देख रहे हैं dasukam.com। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, बद्रीराम जाखर ने दिव्या मदेना से मांगी माफी। ओसिया जोधपुर से विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना और पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखर के बीच जुबानी तलखी बढ़ती जा रही है। दोनों कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता है। गुरुवार को बद्रीराम जाखर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे दिव्या मदेना पर कई आरोप लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान से ओसिया विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने दिव्या मदेना को देवी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि उससे सब डरते हैं। सामने आए वीडियो में जाकर ने कहा है कि दिव्या अपने ही क्षेत्र में काम नहीं करती हैं। समझ में नहीं आता कि वे कैसे चुनाव जीतेंगी। इसीलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो आपकी सीट निकाल सके। कांग्रेस मुझे टिकट दें तो मैं जीत कर आऊंगा और ओसिया में शांत सितारे लगा दूंगा। 10 अप्रैल को भोपालगढ़ जोधपुर में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी चुनाव में दोनों नेताओं की तलखी सामने आई थी। बद्रीराम ने आरोप लगाया था कि दिव्या ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर और उसे जीता दिया, जबकि दिव्या ने आरोप लगाया कि 3 थानों की पुलिस के सामने बद्रीराम जाखर ने धमकी दी थी। कहा था कि तू मेरा हाथा में चिलकी तो मार ना खुला, यानी तू मेरे हाथ लग गई तो मार फेंकूंगा। इसके बाद 11 अप्रैल को भोपालगढ़ में दिव्या की कार पर हमला और पथराव हुआ था। उसी दिन दिव्या सीएम डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस को पत्र लिखा। 17 अप्रैल को उन्होंने मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ से मुलाकात कर इस घटना की जानकारी भी दी थी। गृह विभाग की रिपोर्ट के आधार पर 19 अप्रैल को उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। दिव्या मदेना को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। बुधवार को डीआईजी सुरक्षा ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर इसकी सुरक्षा दी। इसी के साथ ही अब जाखड़ बोले, जनता के बीच कर रह कर काम करता हूँ। दिव्या को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने 20 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि वे ओसिया में जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए राहुल गांधी, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को ये कहकर आग्रह किया है कि वे इस सीट को निकाल देंगे और दिव्या मदेना ये सीट हार जाएंगी। बद्रीराम जाखर ने यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस को ये सीट हारनी है तो दिव्या को टिकट दे दें और जीतनी है तो मुझे दे दें। जाखर ने दिव्या पर आरोप लगाए हैं। वीडियो में जाखर ने दिव्या पर आरोप लगाया है कि भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव में दिव्या ने जाखर के उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। इसी के साथ ही राहुल गांधी से अपील की है कि वो मुझे टिकट दें। बद्रीराम जाखड़ के इस वीडियो के बाद अब युवाओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, बोले बिल्कुल टिकट मांगा है। वीडियो सामने आने के बाद मीडिया से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओसिया से टिकट मांगा है, बिल्कुल मांगा है। ये बात 21 आना सच है कि दिव्या चुनाव नहीं जीतेगी, जनता मेरे साथ है। दिव्या में ईगो है, उससे सब लोग नाराज हैं। दिव्या मदेना के आरोपों के बारे में पूछने पर जाखर नहीं कहेंगे, आरोप तो वे मर्जी लगा सकती हैं। जाखर बोले कि मैंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, एरिया बड़ा और उम्र ज्यादा होने के कारण अब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक चुनाव लड़े हैं, अब ओसिया से लड़ना चाहता हूं। दिव्या देवी है, उससे सब डरते हैं। बद्रीराम जाखर ने तंज भरे लहजे में ये कहें कि जनता के फोन आ रहे हैं, जनता देवी यानी दिव्या से डर रही है। दिव्या तो देवी है और देवी से सब डरते हैं। 16 अप्रैल को दिव्या ने जारी किए थे 2 वीडियो। आपको जानकारी होगी बद्रीराम जाखर के खिलाफ 2 वीडियो दिव्या मदेना ने 16 अप्रैल को जारी किए थे। वहीं बद्रीराम जाखर पाली से पूर्व सांसद हैं। जाखर की पोती सोनिया चौधरी पिपाड़ वरदान है। उनकी बेटी मुन्नी देवी गोदारा पूर्व जिला प्रमुख रही है और अब जिला परिषद सदस्य है। वहीं भतीजे की बहू शांति जाखर गोपालगढ़ प्रधान है। इसी के साथ ही दिव्या मदेना और बद्रीराम जाखड़ के आमने सामने होने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।